नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल आरएसएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे मोबाइल स्क्रीन को लैपटॉप और डेस्कटॉप पे कैसे एक्सेस करें और इनके फ़ायदे क्या हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरे देखिए तो आपको समझ में आएगा, और वीडियो ठीक लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। पहले हम तो चलिए ब्राउज़र पे जा करके यहाँ पे वाइजर टाइप करेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वाइजर, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो फिर इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड वाइजर के ऑप्शन आएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे विंडोज, मैक, लिनक्स, क्रोम, मेरा क्रोम में है, क्रोम में करना है, तो हम क्रोम वाले पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल में जा करके प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर में गए, फिर यहाँ पे सर्च करना वाइजर, इस तरीके से आएगा ऑप्शन। यहाँ पे वाइजर एंड्रॉइड कंट्रोल, एंड्रॉइड कंट्रोल पीसी, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना है। हम पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अनइंस्टॉल का आ रहा है, ओपन का आ रहा है, तो हम सीधे ओपन करके आपको दिखाते हैं। ओपन करेंगे तो इस तरीके से वेलकम का इंटरफेस होगा, सबसे पहले वेलकम टू वाइजर। उसके बाद सेकेंड में जाएंगे, सेकेंड में इनेबल यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप डेवलपर ऑप्शन को भी ऑन रखना है, एक्टिवेट करना है, यूएसबी डिबगिंग का भी ऑप्शन को इनेबल करना है। फिर उसके बाद अपना कनेक्ट योर एंड्रॉइड पीसी कर, उसके बाद आपका ओपन वाइजर ऑन योर कंप्यूटर पे ये करना, अपने कंप्यूटर पे वाइजर को ओपन करना है। यहाँ पे फाइंड डिवाइस पे क्लिक करना है। फाइंड डिवाइस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा आपका एंड्रॉइड फोन जो कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे शो होगा। ये देखिए मेरा भी वो एंड्रॉइड फोन यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इसे ओपन करना है। उसके बाद आपका इंटरफेस हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका खुल जाएगा। ये देखिए पहले से हम यहाँ पे कर रखे हैं, डेवलपर ऑप्शन ऑन कर रखे हैं, सेटिंग में जाके यूएसबी डिबगिंग को भी ओपन कर रखे हैं, एक्टिवेट कर रखे हैं, ठीक है। ये देखिए एक्सेस कर रहे हैं सारे हम डेस्कटॉप से। इससे कॉल, वीडियो कॉल जो भी करना है कर सकते हैं, आपका मोबाइल भी इससे चार्ज हो जाएगा, साथ में आप इससे अपना बातें भी कर सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ इससे एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगाई, इसीलिए प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक नहीं तो डिसलाइक भी करके हमें संतुष्ट करिए, जिससे आगे वीडियो हम इससे बेहतर बना के आपको दिखाएंगे। अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो अपडेटेड आपको मिलता रहे। लाइक भी करिए अगर ठीक लगे तो, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।